महोदय, मैं चलिए हो गया तो हो गया। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों की आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर विचार संशोधन लाया जाए कि जो बच्चा को आरक्षण की आवश्यकता है, जनरल बच्चे, जनरल में जो बच्चे फाइट करते हैं उसको आरक्षण क्या खा के आते हैं समझ में नहीं आता है। आरक्षण के समर्थन में हूँ और इसका कोई मेरा विरोध नहीं। हमने यहाँ लाने की इसको जरूरत नहीं, यहाँ लाने की जरूरत नहीं। इनको संकल्प ला के बहाली करना चाहिए था, जिस तरह से हम लोग लाखों की बहाली किया। ये तो एक जो है पब्लिक का जो है दिखाने दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े काम के, यहाँ लाने की जरूरत नहीं। तो संकल्प देके इनका पावर है, संकल्प देके काम करना चाहिए था, जो बहाली हो जाती। बाकी हमने जो पहले किया उस पर इन पर कोई ध्यान नहीं, हमने इसके पहले किया है, इसी बात नहीं है कि कोई नया बात। नौजवानों का अधिकार छीना जाएगा अध्यक्ष महोदय, अब ये दुकान बंद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसको हम लोग एक सुरक्षा कवच पहनाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग दोबारा इसको भेज ना सके। झारखंड पद एवं सेवाओं के रिक्ति में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग मानो जी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। भानु जी बैठिए, प्रश्न यह है, कोई व्यवस्था नहीं। भानु जी बैठिए, व्यवस्था के आड़ में खाली अव्यवस्था है। बैठिए बैठिए भानु जी बैठिए। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हा कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुरस्तावित करता हूं। यह पुरस्तावित हुआ, विचार का प्रस्ताव। भानु जी बैठिए 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 ना। क्या व्यवस्था है? ये कोई व्यवस्था है? तीन माननीय सदस्य खड़े है, व्यवस्था है। पांच आदमी बोलिए, क्या व्यवस्था है बोलिए। हम लोग भी 32 का क्या व्यवस्था है? सुनिए बात को, कोई व्यवस्था नहीं। सब भी समर्थन में है, बात को सुनिए महोदय, बात को सुनिए महोदय, कोई विरोध, बात को सुनिए महोदय, पूरी पार्टी। हम लोग भी समर्थन में, बात को सुनिए महोदय, बात को सुनिए महोदय। आपको तो बात, आप यही ना व्यवस्था है, आपका यही दिमाग में घुसा हुआ है आपका। हम तो सुन रहे हैं, आप चार आदमी खड़े हो गए हैं और चार आदमी अपने तुम जो मुखस्थ रहे हैं उसी को बोल रहे हैं। महोदय बोलिए, आपके द्वारा कार्यसूची दिया गया है। जी जी, बहुत ही संवेदनशील विषय पर आज यह सत्र का एक दिन का आहूत आपने करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के सारे विधायक दोनों विधेयक का हम लोग यहाँ समर्थन करने आए हैं। ठीक महोदय, सुना जाए महोदय, इतना पूरे हो कि आप इसी में समय व्यय करिएगा भानु जी। अब नहीं, चलिए प्रभारी विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, मैं चलिए हो गया तो हो गया। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों की आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। इसमें भानु जी आपको हम अब संशोधन पर बात करें ना, आपका बात सुने। आप बताइए, आप अगर इतना संवेदनशील विधायक होते तो आप अपना संशोधन प्रस्तुत करते, तब ना आपका संवेदनशीलता का दर्शाता। लेकिन आपने तो काम किया नहीं है, अब जबरदस्ती हाउस में आकर के आप हुज्जत क्रिएट कर रहे हैं। बैठिए बैठिए बैठिए।
बोलिए संसदीय कार्य बोलिए, आपको देना चाहिए था। अभी अभी भानु प्रताप जी ने ये बात किया है कि हम लोग ने इस बिल का समर्थन करते हैं और भानु प्रताप जी ने संशोधन भी दिया है, तो जो नियम है कि आप संशोधन पर आप बोलिए जब आपकी बारी आएगी। आप उनका जब प्रस्ताव पढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, तो उसका जरूरत नहीं है, अब संशोधन पर बोलिए ना। अब संशोधन दिया है, क्या संशोधन है आपका, अब फॉर्म बोलिए, संशोधन पर बोलिए। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आया है, माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री अमित कुमार यादव अपना संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। संशोधन पर बोलने दीजिए भानु जी, ऐसे नहीं होता है, बट ऐसे नहीं होता है, संशोधन पर बोलिए ना, आपको तो बोलने का मौका देंगे, आपका संशोधन डाला है, बोलिए अमित जी। अमित जी, झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 से प्रस्तुत प्रवर समिति को इस निवेदन के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बोलिए। मैं इसमें जो अपना विधेयक आया हुआ इसमें एक संशोधन अध्यक्ष महोदय चाहता हूँ कि संबंधित विधेयक की कंडिका 2 की धारा 4(1) एवं 4(2) में प्रावधानित आरक्षण प्रतिशत को लागू करने के अतिरिक्त किसी स्थापना सेवाओं के पदों की सभी नियुक्तियां जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली है कि परीक्षा के परीक्षा फल में अध्यक्ष महोदय अगर कोई विद्यार्थी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं हो, जैसे जिस प्रकार से अभी नीट का रिजल्ट तुरंत अध्यक्ष महोदय आया हुआ ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे, और उसमें ओबीसी का बच्चों का ज्यादा मार्क्स आया, लेकिन ओबीसी का बच्चों का एडमिशन नहीं हो करके जनरल बच्चों का एडमिशन पहले हो जा रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि जहां आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल रहा है, जनरल बच्चों को मिल जा रहा है, इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक में एक संशोधन लाया जाए कि जो बच्चा को आरक्षण की आवश्यकता है, जनरल बच्चे, जनरल में जो बच्चे फाइट करते हैं उसको आरक्षित सीटों में नहीं घुसाया जाए। अध्यक्ष महोदय, वही मेरा कहना है कि वैसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, जैसे 500 मार्क्स का अगर कोई एग्जाम है, अगर कोई बच्चा 490 मार्क्स लाता है तो उसको जनरल में रखा जाए, ना कि उसको ओबीसी में श्रेणी में अनुसूचित जाति और जनजाति में भेज दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जिसको आरक्षण की आवश्यकता हो उन्हीं को आरक्षण मिले, अन्यथा अभी यहाँ जो आरक्षण की प्रोविजन है पूरे राज्य और देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कोटा बांट दिया गया कि अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति में रहना है, ओबीसी को ओबीसी में रहना है, कैटेगरी 1 को 1 में रहना है, 2 को 2 में रहना है। इसमें क्या हो रहा है कि आरक्षण इन लोगों को नहीं मिलकर जनरल लोगों को आरक्षण मिल जा रहा है, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि 4(a) एवं 4(2) में प्रावधानित आरक्षण प्रतिशत को लागू करने के लिए अतिरिक्त किसी स्थान में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियां जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो कि परीक्षा के परीक्षा फल में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों जो अनारक्षित श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं वैसे अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित श्रेणी में करने संबंधित संशोधन प्रवर समिति को विचार दिन भेजा जाए। प्रभारी मंत्री, प्रभारी मंत्री अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ये विधेयक जो हम लोग लाए हैं अध्यक्ष महोदय इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए लाया गया है अध्यक्ष महोदय, और आज आपने देखा भी होगा अध्यक्ष महोदय कि 20 वर्षों में पहली बार जेपीएससी का रिजल्ट भी आया, अभी कल परसों 3-4 दिन पहले इंजीनियरों का भी बहाली का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, और आज भी अध्यक्ष महोदय खुशी की बात यह है कि आज भी अकाउंटेंट के 16 बच्चों का रिजल्ट जेपीएससी ने निकाला है अध्यक्ष महोदय, और बड़ी खुशी की बात है अध्यक्ष महोदय उसमें आदिवासी बच्ची ने
प्रथम स्थान पाया, टॉपर रही अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, 7 अनरिजर्व सीट में भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे चले गए, मात्र 3 बच्चे ही अनरिजर्व से आए। और हालांकि जो भी आए 100% अध्यक्ष महोदय स्थानीय लोग। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस संदर्भ में मुझे नहीं लगता है सरकार प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता है। और चूंकि अध्यक्ष महोदय, पहले जो इन लोगों ने विधेयक लाए और जिस तरीके से पूर्व में विवादें हुई हैं, उन सब विवादों का निराकरण वर्तमान सरकार करते हुए आ रही है अध्यक्ष महोदय, और आगे भी बढ़ रही है अध्यक्ष महोदय। और अब इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जो आरक्षण है अध्यक्ष महोदय, कैसे सुनिश्चित हो, इसका सरकार को काफी गंभीर है। और उसी के अनुरूप आज अध्यक्ष महोदय ये प्रस्ताव लाया गया है। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड 100 लेता हूँ। खंड 02 में एक संशोधन है। भानुजी आपका संशोधन नहीं है और हम संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं, आप अनावश्यक खड़ा हो जा रहे हैं। अब खंड 02 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से झारखंड पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 तदनुसार झारखंड पदों एवं सेवाओं में रिक्ति आरक्षण अधिनियम 2001 यथा संशोधित की धारा 4(2)(ख) पूर्व में गठित मंत्रिमंडल उप समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जनजाति प्रतिशत एवं धारा 4(2)(ग) एवं 4(2)(घ) में झारखंड राज्य आरक्षण पर आक्रोशित न हो। भानुजी में आरक्षण पर आक्रोशित न हो। 12% के 16% प्रतिस्थापित किया जाए, तदनुसार कुल 77 के स्थान पर 90% प्रतिस्थापित किया जाए। हो गया लंबोदर बाबू? हो गया? नहीं महोदय, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल उप समिति का जो प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन के हिसाब से जो संशोधन प्रस्ताव डाला हुआ है, निश्चित रूप से आज के इस विधेयक में ये संशोधन हो। हो गया लंबोदर बाबू? माननीय प्रभारी मंत्री अपना पक्ष रखेंगे। इतना हल्ला करते हैं भानु जी, क्या खा के आते हैं समझ में नहीं आता है। चलिए भानु जी ठीक, बहुत व्यवधान डालते आपका आपका संशोधन अगर होता भानु जी, संशोधन में आप अगर संशोधन डालते और पर्याप्त समय दिया गया था, पर्याप्त समय दिया गया था भानु जी, नहीं डाले है तो आसन क्या कर सकता है? आसन तो आखिर नियम से चलेगा। प्रभारी मंत्री, प्रभारी मंत्री मैं बोल, प्रभारी मंत्री अध्यक्ष महोदय बोलिए। अध्यक्ष महोदय, विधेयक के प्रथम 2 पृष्ठ में
से विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य का विस्तार से विवरण है अध्यक्ष महोदय। इसके अनुसार विधेयक लाने का उद्देश्य यहाँ के मूलवासी आदिवासी आदिवासियों की सामाजिक संस्कृति शैक्षणिक सेवा और अन्य लाभ प्रदान करना है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय 1932 के पश्चात दूसरे राज्यों के लोग लोगों के आवर्जन के परिप्रेक्ष्य में मूलवासी आदिवासी आदिवासियों के सामाजिक विकास रहन सहन रीति रिवाज और परंपराओं पर अध्यक्ष महोदय नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और यही वजह है अध्यक्ष महोदय 1932 की मांग शुरू से राज्य में होती रही है। अध्यक्ष महोदय उस 77% रिजर्वेशन बढ़ाने की बात लंबोदर बाबू रखा उसका जो अध्यक्ष महोदय आ रहा है आप लोग हल्ला करिएगा तो गड़बड़ होगा। इनके संशोधन अध्यक्ष महोदय ऐसे आते हैं अध्यक्ष महोदय ये एन के एन प्रकार अभी आगे और भी देखेंगे अध्यक्ष महोदय। इससे प्रतीत होगा कि ये लोग अपनी पुरानी 1985 का ही इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे अध्यक्ष महोदय और कैसे ये कानूनी अड़चनों में फंसे अध्यक्ष महोदय और यहाँ के लोगों के हक अधिकार जो इन लोगों ने 20 साल तक दबा के रखा है अध्यक्ष महोदय और किस तरीके से इसको दबा के और भविष्य तक भविष्य में भी रखा जाए अध्यक्ष महोदय ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है अध्यक्ष महोदय जो ये 90% कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय अट्ठाईस को 32 15 को 20 और 12 को 16 करने की बात लंबोदर जी कह रहे हैं और बहुत सारी बातें अभी सदन में आएंगी अध्यक्ष महोदय एक एक करके जवाब भी दिया जाएगा और ये कहीं से अध्यक्ष महोदय कहीं से ये जो इनका आंकड़ा है वो किस बेसिस पर ही बना है अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि ये भी सदन को बताएं तो ज्यादा अच्छा से हम लोग इसको एलिब्रेट करके बता देंगे ये इसका कोई औचित्य नहीं है अध्यक्ष। ठीक लंबोदर बाबू और थोड़ा स्पष्ट करिए आप क्या कहना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय करिए और निश्चित रूप से इसका एक जस्टिफिकेशन है मैडम। हाँ बताइए महोदय झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है एक संवैधानिक आयोग है महोदय और इस संवैधानिक आयोग का महोदय मेरे पास अनुशंसा है ये अनुशंसा है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक आयोग है इसका पत्रांक 64 है बी है 18 जुलाई 2014 इसमें अनुशंसा किया है कि पिछड़ी जाति के पिछड़ी जाति जिनकी आबादी 55% है इनको 36% से 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है तो हमने जो मिनिमम है 36% का जो अनुशंसा है उसी के आधार पर राज्य का सरकार का जो विधेयक है जिस विधेयक में कह रहा है कि हम ओबीसी को 27% दे रहे हैं हम लोग उसका स्वागत करते हैं लेकिन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अनुशंसा है जो कहता है कि कम से कम 36% से 50% दिया जा सकता है क्योंकि इनकी आबादी 55% है तो महोदय इसी के आलोक में हमने संशोधन प्रस्ताव डाला है कि निश्चित रूप से जो आप 15% दे रहे हैं उसकी जगह पर 20 करिए और 15 ये क्योंकि दोनों मिला के एक हमारा है कि जो हम अभी 15% BC1 की बात कर रहे हैं 15 के जगह पर आप 20 करें और जो 12% की हम लोग बात कर रहे हैं उसके जगह पर 16 तो 36% जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अनुशंसा उसके आलोक में हमने संशोधन प्रस्ताव दिया महोदय हम जस्टिफिकेशन के बात महोदय ये महोदय मंत्रिमंडल उप समिति इसका प्रतिवेदन दो है महोदय मंत्रिमंडल उप समिति के प्रतिवेदन के आलोक में जो जिसका स्पष्ट अनुशंसा था कि वर्ष 2002 में मंत्रिमंडल उप समिति ने पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति और उसमें मंत्रिमंडल उप समिति का 2002 में स्पष्ट था कि यहाँ के अनुसूचित जनजातियों को 32% आरक्षण दिया जाए तो मंत्रिमंडल उप समिति जिसका गठन सरकार ने किया था जिसका प्रतिवेदन
उसी प्रतिवेदन के आलोक में हम संशोधन प्रस्ताव दिया है कि महोदय जस्ट तुरंत महोदय तो उसी उसी मंत्रिमंडल समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रतिवेदन के आलोक में हमने दिया कि झारखंड राज्य के आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया जाए। महोदय दूसरा जो जवाब सुन लीजिए जवाब जस्टिफिकेशन महोदय दूसरा जो जवाब सुन लीजिए माननीय मंत्री जी का पूरे एक बार बात करते हैं महोदय फिर बात पूरे जस्टिफिकेशन की बात दूसरा महोदय जो जस्टिफिकेशन है कि हमने कुल मिला के 70 के जगह जो 90 का प्रस्ताव डाला महोदय ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है महोदय और इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश तमिलनाडु आरक्षण संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP 13/526/2093 इसमें महोदय कहाँ कह रहा है कि सरकार आरक्षण नहीं बढ़ा सकती है सरकार आरक्षण बढ़ा सकती है खाली सरकार को एक्सरसाइज करना है कि जो राज्य में लोग रह रहे हैं जो पिछड़ी जाति है जो SC है जो ST है उनका परिणामात्मक डाटा आंकड़ा करके सरकार बढ़ा सकते हैं पिछले जो संशोधन प्रस्ताव आरक्षण बढ़ाने तक दिया गया है महोदय पूरी तरह से जस्टिफाइड है। माननीय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय सरकार कभी भी विधेयक लाती है तो उस पर कई चिंतन मंथन करती है अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय इसका पूरा गहन सभी स्तरों पर की जाती है उसके बाद विधेयक बनता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय आपको याद हो गया कि राज बनने से पहले OBC को यहाँ 27% का आरक्षण मिलता था इन्हीं माननीय ने 27% को घटा करके 14% अध्यक्ष महोदय हम 14% अध्यक्ष महोदय हम तो वापस अपनी पुरानी ये को स्थापित कर रहे हैं और उसका दायरा भी बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष महोदय और इतने सारे विचार के बाद जब विधेयक बनाया अध्यक्ष महोदय तो ये कानूनी और वैधानिक रूप से चीजें स्थापित हो लोगों को इसका लाभ मिले ये सरकार का उद्देश्य अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय इसमें किसी भी तरीके का संशोधन की आवश्यकता नहीं। जो इसके पक्ष में है वह प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02(4)(2)(ख) अनुसूचित जनजाति 28% के स्थान पर 32% ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 को 15% के स्थान पर 20% घ पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के 12% के स्थान पर 16% तदनुसार कुल 77% के स्थान पर 90% को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 02 इस विधेयक का अंग बने जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुत मत है खंड 02 इस विधेयक का अंग बना। खंड 01 में 2 संशोधन है क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? माननीय सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी अध्यक्ष महोदय मैं आरक्षण के समर्थन में हूँ और इसका कोई मेरा विरोध नहीं परंतु जो त्रुटियां है इसमें हमने उजागर कर दिया है और इसका कम से कम स्पष्ट जवाब इनको माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे पक्ष के लोगों को देना चाहिए। सबसे पहले तो हमने खंड 1-3 विधेयक के खंड 013 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाए यह अधिनियम राजपत्र में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा इस पर हमने जवाब मांगा है और यह हमारा जो सुझाव है कोई भी कानून अधिनियमित होने पर लागू होता है और इसमें इस तरह की बात नहीं राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करना एक प्रक्रिया है नवी अनुसूची या पांचवी अनुसूची का मामला हो या विधेयक को कानून बनाने की प्रक्रिया है कोई कानून तब लागू होता है जब अनुमति प्राप्त कर अधिसूचित होता है इसलिए कानून अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी हो ऐसा प्रावधान रखा जाए ये मेरा सुझाव है। बाकी एक चीज और मेरा कहना है कि
पूर्व की सरकार हम लोग की सरकार जो 1985 में जो है लागू किया था, ऐसा बात है कि नहीं हम लागू किए हैं, इसलिए हम इसका सपोर्ट करते हैं। बाकी 1985 में हमने यहाँ लाने की इसको जरूरत नहीं, यहाँ लाने की जरूरत नहीं, इनको संकल्प ला के बहाली करना चाहिए था, जिस तरह से हम लोग 1 लाखों की बहाली किया। ये तो एक जो है पब्लिक का जो है दिखाने दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े काम के, यहाँ लाने की जरूरत नहीं, तो संकल्प लेके इनका पावर है, संकल्प लेके काम करना चाहिए था, जो बहाली हो जाती। बाकी हमने जो पहले किया उस पर इन पर कोई ध्यान नहीं, हमने इसके पहले किया है, इसी बात नहीं है कि कोई नया बात है आपके लिए, यहाँ लाने के लिए है, दिखावा है आपका, इसलिए दिखावा है कि हम झारखंड को दिखा रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, इसको संकल्प लेके आपको काम करना चाहिए था, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जो है इसको संकल्प लेके काम करें, ठीक, और यहाँ अच्छी करने की जरूरत नहीं, इसको दक्षलवा करने की जरूरत। माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, रामचंद्र चंद्रवंशी जी सदन के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, मंत्री भी रहे हैं और नवी अनुसूची में विधेयक को भेजना क्यों जरूरी है ये भी जानते हैं। अगर ये नहीं जानते हो तो मैं इनको थोड़ा एक ये भेज देना चाहता हूं कि इन्हीं की सरकार है कर्नाटक में, जहां पर रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को नौवी अनुसूची में शामिल करने के लिए भेज दिया गया। क्यों? आप ही की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। और आप लोगों ने 85 करके कितने बहाली की है ये भी बता दीजिए। ये देखिए, ये देख लीजिए, और तो और अध्यक्ष महोदय, और तो और अध्यक्ष महोदय, ये 2000 में बिल लाए थे अध्यक्ष महोदय, 2002 में अध्यक्ष महोदय, और कोर्ट ने एक सिरे से इनकी बिल को खारिज कर दिया था। हम ऐसा नहीं करना चाहते अध्यक्ष महोदय, ना हम लोग इस सरकार का ना बिल खारिज होगा, ना यहाँ पर हमारे नौजवानों का अधिकार छीना जाएगा अध्यक्ष महोदय, अब ये दुकान बंद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसको हम लोग एक सुरक्षा कवच पहनाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग दोबारा इसको भेज ना सके अध्यक्ष महोदय, इसलिए अध्यक्ष महोदय इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 01(3) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाए, यह अधिनियम राजपत्र में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें, मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? डॉक्टर लंबोदर महतो। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 इसका पूरा हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन महोदय ये विषय राज्य सरकार का है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि इस विधेयक को कानून के रूप में, अधिनियम के रूप में पारित करके राज्य सरकार लागू करे, ताकि अभी जो लाखों की बहाली हो रही है उस बहाली में यहाँ के पिछड़ी जातियों को, यहाँ के अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को आरक्षण जो बढ़े, बढ़ोतरी का प्रस्ताव, इसका सीधे सीधे लाभ हो जाए। महोदय जो प्रस्ताव है विधेयक में कि केंद्र सरकार में भेजेंगे, भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, उसके बाद लागू होगा, इसलिए महोदय यहाँ की, चूंकि अभी जो लाखों की बहाली हो रही, इसमें लाभ यहाँ के आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और यहाँ के पिछड़ी जातियों को नहीं मिल पाएगा।